ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोगों के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट एजुकेशन मेकिंग एंड वर्कप्लेस इंक्लूसिव। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बस क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूं, तो अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर की वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप अपना व्यू दे सकते हो कि मेरे को आंसर का वीडियो बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए। तो पहले हम इस वीडियो में देख लेते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ डिसएबिलिटी राइट इन इंडिया। मतलब कि हमें डिसएबिलिटी राइट जो है इंडिया में उसको इवोल्यूट करने की जरूरत है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डिस्कस इन डिटेल एनी फाइव ऑब्जेक्टिव सेट फॉर एजुकेशन एट द वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस डाकर। मतलब कि डाकर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को फाइव ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, किसके ऊपर, वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के ऊपर आप लोगों को फाइव ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों का है, ड्रो अ डिफरेंट बिटवीन पीडब्ल्यूडी। मतलब कि जो भी व्यक्ति मतलब कि अनफिट होता है, मतलब कि जैसे कोई किसी इंसान का हाथ टूटा हुआ है, किसी इंसान का पैर टूटा हुआ है, ऐसे जो भी पीडब्ल्यूडी के मेंबर होते हैं उनके बीच में आप लोगों को 1957 एक्ट क्या कहता है और फिर 2016 एक्ट क्या कहता है, ये आप लोगों को डिफरेंस बताना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों का क्या है, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन। मतलब कि आप लोगों को इंटीग्रेटेड एजुकेशन का प्रिंसिपल बताना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है आप लोगों का, कंपेयर एंड कॉन्स्ट्रैक्ट बिटवीन काइंड ऑफ न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट। मतलब कि न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट में आप लोगों को क्या क्या डिफरेंट काइंड है उसके ऊपर आप लोगों को कंपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इंक्लूसिव। सोशल इंक्लूसिव का क्या कॉन्सेप्ट है और इसको कैसे हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट होता है, इसके बारे में आप लोगों को इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन लिखना है। मतलब उसको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों का है, हाउ डज पर्सन एबिलिटी इम्पैक्ट लर्निंग। मतलब कि जो पर्सन डिसेबल होते हैं उनके बारे में हम कैसे जान सकते हैं, प्रेजेंट योर आंसर फोकसिंग ऑन द टू एबिलिटीज। मतलब कि दो किसी भी दो एबिलिटीज के ऊपर आप लोगों को फोकस करके और आंसर लिखना है। मतलब कि एक पॉइंट आप लोग ले लो किसी का हाथ टूटा हुआ है और दूसरा पॉइंट ले लो किसी का मतलब एक पैर मतलब कि वो अच्छे से चल नहीं पाता, मतलब पैर तो है बट अच्छे से चल नहीं पाता, ये आप लोगों का दो डिसेबिलिटी हो गया, इसके ऊपर आप लोगों को आंसर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों का है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1957 और सॉरी 1995 और 2006, इन दोनों के बीच में आप लोगों को डिफरेंस लिखना है। ऊपर क्या था, ऊपर आप लोगों का था 1995 और 2016 था, ठीक है, ऊपर 2016 था और यहाँ पे 2006 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन अलग अलग हो गए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग सेम आंसर नहीं लिख सकते, 2006 में क्या एक्ट था और 2016 में क्या एक्ट था, उसमें आप लोगों को डिफर थोड़ा सा दिखेगा बट उस डिफर को भी आप लोगों को लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आप लोगों का, शेयर द आउटलाइन ऑफ डिजाइन ऑफ कैंपस एक्सक्लूसिव सेंटर। मतलब कि कैंपस एक्सक्लूसिव सेंटर में क्या क्या डिजाइन है, क्या क्या आउटलाइन है, ये आप लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कॉमेंट ऑन एसिबिलिटी इन एनी वन ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मतलब कि आप लोगों को इन सब में से किसी भी एक चीज पे मतलब एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आप लोगों को अच्छे से कमेंट देना है उसके ऊपर। मैं तो बोलूंगा सबके ऊपर एक बार ही अच्छे से मतलब पढ़ के जाना, अगर इनमें से कोई दो ऑप्शन दे दे या फिर कोई एक ऑप्शन दे दे या फिर तीन ऑप्शन दे दे और जो बोले कि तीनों ऑप्शन को आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, तो आप लोग एक को करके जाओगे तो फिर आप लोगों का ही नुकसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स को आप लोगों को एकदम अच्छे से करके जाना ही जाना है, ठीक है। एक्सक्लूसिव क्या होता है, इंक्लूसिव क्या होता है, सॉरी एक्सक्लूशन और इंक्लूशन, और फिर पर्पस ऑफ RCI एक्ट 1992 का क्या था, पर्पस क्या था। ओके, ये आप लोगों का है, फीचर ऑफ
RPWD 2016 Act, ये ऊपर भी क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोगों के क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन का, फिफ्थ सेमेस्टर का है ये। तो फटाफट इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंडों में शेयर कर दो, हर एक ग्रुप में शेयर कर दो। अगर आप लोगों को इसका आंसर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं आंसर बनाऊं या फिर ना बनाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पेपर के साथ, या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग ये भी बता सकते हो कि नेक्स्ट कौन से पेपर के ऊपर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय टाटा, सी यू।